पास एक बैटरी है और वी हैव टू बल्ब्स है ना। तो अगर हमें इसके पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने हैं, मतलब इस बल्ब के अक्रॉस या इस वाले बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो हम वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। बट वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने का ड्रॉबैक क्या है कि वोल्ट मीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है, और खुद के रेजिस्टेंस की वजह से ये थोड़ी सी करंट ड्रॉ कर लेता है, और ड्यू टू दिस एंटायर सर्किट में करंट चेंज हो जाती है ना। तो पूरे सर्किट में जब करंट चेंज हो जाती है तो मेजर करते समय ये पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाता है। ऑब्वियसली करंट चेंज होगी तो आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो दिस डिवाइस इज नॉट वेरी प्रॉपर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ सो इसको रिपीट करते, आई करंट ये लेगा और इसकी वजह से टोटल करंट चेंज हो जाएगी। नॉर्मली जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आइडियल मतलब जो आइडियल वोल्ट मीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी लेते हैं, है ना। तो मगर इन्फिनिटी किसी भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस नहीं हो सकता है, इसलिए जो वोल्ट मीटर हम बनाते हैं उसका रेजिस्टेंस कुछ मतलब हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता तो हाई रेजिस्टेंस होता है, तो हाई रेजिस्टेंस में बहुत ही स्मॉल अमाउंट की करंट आएगी, मगर करंट तो आएगी, है ना। करंट आएगी कितना भी आइडियल वोल्ट मीटर, मतलब कितना भी प्रैक्टिकली हम आइडियल वोल्ट मीटर नहीं बना सकते इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का। तो मतलब प्रैक्टिकली ये स्मॉल करंट लेगा, तो उसकी वजह से भी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा मगर चेंज हो जाएगा। तो मेजर वोल्टेज विदाउट ड्रॉइंग करंट। तो पोटेंशियो मीटर, व्हाट इज पोटेंशियो मीटर? पोटेंशियो मीटर इज अ डिवाइस टू रिमूव दिस ड्रॉबैक, है ना। तो इस डिवाइस में हम क्या करेंगे, वी विल मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्रॉइंग सम करंट। तो ये इसका मेन कंसेप्ट है। तो ये सब हम बनाएंगे कैसे उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो मेन चीज क्या है पोटेंशियो मीटर का कंसेप्ट, मेजर वोल्टेज विदाउट ड्रॉइंग करंट। सो दिस इज पोटेंशियो मीटर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द पोटेंशियो मीटर। सो लेट्स सी कि इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले थोड़ा सा मतलब इंट्यूशन से समझ लें, या बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको समझने से पहले पोटेंशियो मीटर कैसे बनेगा, है ना। उसको एक रफ आइडिया लेते हैं कि किस तरह से पोटेंशियो मीटर बनाया, उसके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या है, ठीक है। अभी इसका वर्चुअल एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। तो हमारे पास, हमें अगर पोटेंशियो मीटर बनाना है ना, पोटेंशियो मीटर बनाने के लिए तो हमने एक इस सर्किट में एक और बैटरी ले ली, है ना। एक तो ये बैटरी थी, ये मेन बल्ब वाला सर्किट था जिसमें दो बल्ब लगे हुए थे, यहाँ पर एक और बैटरी ले ली, है ना। इस बैटरी की खास बात यह है कि इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वैरी कर सकता है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस वैरी कर सकता है। और इस बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस तरह से कनेक्शन है। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इस तरह से गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। अब इसमें मेन आइडिया क्या है कि ड्रॉबैक क्यों हो रहा था, ड्रॉबैक इसलिए हो रहा था कि यहाँ पर जो वोल्ट मीटर लगा हुआ था उसमें करंट जा रही थी। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें बट करंट कुछ ऐसा यहाँ पे ना जाए। तो इसके लिए ये एक बेसिक कंसेप्ट है, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दी गई जिसका पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है। सो यू कैन सी दिस, इसका वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये वाला जो कनेक्टिंग वायर है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव हमने लिख दिया, और ये वाला जो वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, इसको नेगेटिव लिख दिया। इसको हम अगर 0 वोल्ट एज्यूम कर लें, सो इस साइड से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है ना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल है। तो जस्ट सो इसके बाद हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है। ऑब्वियसली बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा, तो
और इस गैल्वियोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो यहाँ पर वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है और वी आर ऑब्जर्विंग बैटरी, सॉरी गैल्वियोमीटर। तो यहाँ पर एक तो ये सर्किट हो गया, उसके अलावा ये वाला एक सर्किट है, जस्ट ऑब्जर्व दिस सर्किट। ये गैल्वेनोमीटर इस वाले सर्किट में करंट रीड करता है। तो हम यहाँ से ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज वेरी कर सकते हैं और यहाँ से गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करेंगे। तो यू विल फील जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ये स्केल ऐसे ले लिया, जस्ट ये यहाँ पर सम गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करना है। गैल्वेनोमीटर जो है वो दोनों डायरेक्शन में करंट रीड कर सकता है ना। तो गैल्वेनोमीटर हम लोग शायद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ेंगे। तो ये गैल्वेनोमीटर है, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ एक्सप्लेन कर दी, यहाँ पर ये बैटरी का पोटेंशियल बताने के लिए डिवाइस है, दिस इज नॉट गैल्वेनोमीटर का जो स्केल है। गैल्वेनोमीटर का स्केल यहाँ पर रेड कलर से है, ये बैटरी का पोटेंशियल हम चेंज कर रहे हैं, ये बैटरी का स्केल है ना। सपोज करो बैटरी पहले 0 वोल्ट पे थी, है ना, ये बैटरी पहले कुछ 0 वोल्ट पे थी। तो इस बैटरी का हम पोटेंशियल चेंज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। इसको प्रैक्टिकली अभी थोड़ा सा अजीब सा होता है, ये थोड़ा कार्टून फॉर्म में बनाया गया तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, अदरवाइज प्रैक्टिकली लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर ये हो गया गैल्वेनोमीटर का स्केल, है ना, और ये हो गया बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करते हैं यहाँ से 1 वोल्ट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना, लाइव, ये भी अप्रॉक्सीमेटली लाइव है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली लाइव, एग्जैक्टली जस्ट अ मिनट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली लाइव। सो तो यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं 0 वोल्ट, देन 1 वोल्ट, देन तो यहाँ भी इसमें गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन चेंज होगा, दिस इज समथिंग लाइक 1 वोल्ट कर दिया। यहाँ से इसकी जो रीडिंग है वो इधर से आ रही है, 0 वोल्ट, 1 वोल्ट एंड लाइक देन। अब देखो इसमें भी करंट पहले 0 थी, इसमें करंट कुछ चेंज हो रही है, मतलब करंट इस सर्किट की करंट कुछ ऐसे आ रही है। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, अभी प्रैक्टिकली भी करेंगे, आई होप हो जाए जल्दी, लेट्स सी हो पाता है। नाउ देन हम करते गए, यहाँ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया और यहाँ से करंट चेंज हो रही है, यहाँ से करंट चेंज हो रही है। फिर एग्जैक्टली जब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, एग्जैक्टली 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था, तो उस समय करंट 0 हो गई, मतलब इस वाले सर्किट में करंट 0 हो गई। तो एग्जैक्टली 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर इस वाले सर्किट में करंट 0 हो गई, है ना, एग्जैक्टली 3 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो यही मेन पॉइंट है। एक्चुअली में जो ड्रॉबैक था वोल्ट मीटर का, वो वोल्ट मीटर का ड्रॉबैक क्या था, उस जिस सर्किट में वोल्ट मीटर लगा हुआ था उस सर्किट में हम करंट को ख़त्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि आइडियल वोल्ट मीटर होता नहीं है। मैक्सिमम क्या कर सकते थे कि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर देते, तब भी ये जो सर्किट लगा हुआ जिसमें वोल्ट मीटर लगा था पहले, उस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट आएगी। तो हमें ड्रॉबैक क्या दूर करना है, हमें ड्रॉबैक ये दूर करना है कि हमें ऐसा सर्किट बनाना है जिस सर्किट में करंट फ्लो ही ना करे। तो यहाँ पर हो गया, ऐसा सर्किट बन गया जिसमें करंट फ्लो ही ना करे। तो अभी तो एक्सपेरिमेंट से बना, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। एग्जैक्टली एक ऊपर का सर्किट है इस तरह से, है ना, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस, और यहाँ पर अगर 0 वोल्ट ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, है ना। जैसे ही सपोज इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट है, इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली हम इसको दे रहे हैं। सपोज अगर इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या कहते हैं उसको, फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि इस सर्किट का पार्ट है। सपोज ऑब्वियसली इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होगा 3 वोल्ट। तो इनिशियली जब इसमें करंट कुछ कुछ होगी, या जब इनिशियली पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 1.5 होगा, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना, ये 0 हो गया, 3 वोल्ट हो गया, ये मोर होगा बाय दिस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे अभी 1.5 वोल्ट ही है, तो इसमें करंट फ्लो करेगी, है ना। तो एग्जैक्टली जब इन दोनों पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 3 वोल्ट है, जो हमें यहाँ से पता लगा, जब इस ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो बैटरी के वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा, उस टाइम पे इस सर्किट में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब इस सर्किट में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगी,
और तब हम इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे, है ना। तो ये तो एक मतलब समझने का मेथड है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो रहा है ऐसा कुछ कि हमें एक सर्किट की जगह दूसरा दो सर्किट लेने या दो सर्किट ऐसे बनाने हैं कि इस सर्किट में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इस वाले सर्किट में इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो, ताकि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो ना करे, है ना। तो अगर ये 3 वोल्ट है और ये भी 3 वोल्ट है तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी और हम इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेंगे जो कि यहाँ पे 3 वोल्ट आ रहा है। तो ये इसका बेसिक लॉजिकल आइडिया है, एग्जैक्ट नहीं है मगर बेसिक एक लॉजिकल आइडिया लग गया। तो अब हम देखेंगे रियली हम पोटेंशियल मीटर कैसे बनाते हैं। दिस इज तो ये हम अब पोटेंशियल मीटर मतलब ये बेसिक आइडिया हो गया, इसके बेसिस पे हम पोटेंशियल मीटर बनाते हैं। तो अब हमारा पोटेंशियल मीटर बन गया। पोटेंशियल मीटर में ऑब्वियसली यहाँ से समझ में आ गया कि हमें दो टाइप के सर्किट चाहिए, है ना। तो एक्चुअली में हमारा जो एक जो सर्किट होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट, है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। तो इस प्राइमरी सर्किट को बनाने के लिए हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी लेते हैं। दिस वन इज प्राइमरी सर्किट और ये हाई वोल्टेज की बैटरी हम यहाँ पे लगा लेंगे। हमें बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, यानी जिस चीज का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो सेकेंडरी सर्किट में आएगी। यहाँ पर ये एग्जैक्ट नहीं था, ये थोड़ा सा इंट्यूटिव था, है ना, एग्जैक्ट पोटेंशियल मीटर नहीं है। ये यहाँ से ही समझ में आया कि कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। अब हम रियली में पोटेंशियल मीटर बनाएंगे, तो पोटेंशियल मीटर बनाने के लिए हमें एक समझ लो एक मेन ड्राइवर सर्किट लेना होगा जो एग्जैक्टली यहाँ पर ये वाला है, है ना, ये वाला सर्किट है। इसको इसको थोड़ा सा पोटेंशियल मीटर में कैसे होता है, पोटेंशियल मीटर में यहाँ पर तो जैसे हमने ये वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी ले ली, मगर यहाँ पर नहीं लेते हैं। यहाँ पर इस वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी के लिए हम यहाँ पर एक वायर लगा देते हैं, इस तरह से वायर। वायर से कैसे वोल्टेज वेरिएबल होगा वो थोड़ी देर में देखेंगे। मतलब जो यहाँ पर वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी है उसकी जगह वी विल फिट अ वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये हम एग्जैक्टली पोटेंशियल मीटर में यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये यू कैन से कि पोटेंशियल मीटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल डिवाइस, और इसके क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, हर जगह इसके क्वेश्चन आते हैं, और इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में इसके साथ लेना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। खैर, तो यहाँ पर हमने एक ये लगा दिया, क्या लगा दिया, हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी, है ना, और ये रेड कलर का पोटेंशियल मीटर वायर है। तो ये हमारा बन रहा है प्राइमरी सर्किट, है ना, प्राइमरी सर्किट। इसको कहते हैं प्राइमरी सर्किट या कह सकते हो ड्राइवर सर्किट। इसके बाद ये हमें करना क्या था, हमें बल्ब के अक्रॉस जो रेड वाला बल्ब है, ब्लू वाले के अक्रॉस भी निकाल सकते हैं, मगर अभी फिलहाल हम रेड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अवर पोटेंशियल मीटर वायर, दिस इज अवर पोटेंशियल मीटर वायर। सो नाउ तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया। तो प्राइमरी सर्किट में मेनली तो एक बैटरी लगी होती है और एक ये वायर हो गया, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल मीटर वायर। नॉर्मली ये वायर काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसको हम ऐसे 2-3 टर्न में लगाते हैं रियली में। जब हम रियली में देखेंगे तो पता लगेगा, फिलहाल तो हम डायग्राम में एक ही ऐसा इसी एक ही लाइन से दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल मीटर वायर। ये फिर ये इधर का कनेक्शन हो गया, है ना, ये इधर का कनेक्शन ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये वाला कनेक्शन कुछ ऐसे हो गया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से हमने ये यहाँ से बल्ब कनेक्ट कर दिया और गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसे लगा हुआ है, एक्चुअली में कुछ ऐसे लगा हुआ है ना, ध्यान से किसका कुछ उल्टा, क्योंकि ये तो खाली कंसेप्ट समझाने के लिए था। तो इधर ये हमारा सेकेंडरी सर्किट होता है, यानी ये हमारा मेन सर्किट हो गया जो पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट में होगा, है ना, तुम्हें अपनी तरफ से बनाना नहीं होगा। तो एक ये जो सर्किट है ये पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट में होगा, ये पोटेंशियोमीटर है, ये पूरा बना बनाया रखा होगा। तो अभी हम वर्चुअल लैब में चलेंगे, आई होप, तो हमें समझ में आएगा। ये हमारा सेकेंडरी सर्किट है, है ना, ये सेकेंडरी सर्किट है। तो इस सेकेंडरी सर्किट में ऑब्वियसली जहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे वो डिवाइस लगाएंगे। तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो हम बल्ब के अक्रॉस इस तरह से डिवाइस लगाएंगे। इज दैट क्लियर? तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और यू कैन व्हाट्सएप वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूँ। ओके,
नाउ अब ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया, है ना. प्राइमरी मतलब ड्राइवर, प्राइमरी सर्किट इज ड्राइवर सर्किट एंड दिस इज सेकेंडरी सर्किट लाइक दिस. सो अब इसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, नॉब घुमा रहे थे, इधर नॉब घुमा रहे थे, इधर नॉब नहीं घुमाएंगे यहाँ पर, इसको जॉकी कहते हैं. बेसिकली जॉकी, जॉकी जॉकी का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो टच करती है ना, टच करती है, कनेक्शन नहीं होता है, टचिंग डिवाइस. तो जो भी टचिंग और स्लाइडिंग डिवाइसेस होती हैं उसको जॉकी कहते हैं. आई थिंक जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है ना, उसमें देखा होगा ऊपर बड़ा सा जॉकी लगा होता है ना, वो वायर से कनेक्ट नहीं होता है, वायर को टच करते हुए चलता है. तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जॉकी. तो काफ़ी जगह यूजफुल होता है, जहाँ पे मोशन करना होता है, जहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट करना होता है, उसके लिए जॉकी यूज़ होता है. तो इस चीज़ को हम जॉकी कहते हैं. यहाँ पे दिखाया नहीं है, मगर ये ऐसे एरो जॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये जॉकी को इसका स्लाइड करेंगे और ठीक वही काम होगा जो यहाँ पर हो रहा था, है ना. गैल्वेनोमीटर में ऐसे यहाँ पे साइड में देख रहे होंगे डिफ्लेक्शन ऐसे चेंज हो रहा है ना. ये थोड़ा सा है तो कार्टून फॉर्म में, मगर लाइव की फीलिंग दे रहा है. अभी लाइव भी इसको करेंगे तो ये ऐसे, मतलब यही एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ता है. मतलब इसमें एक्सपेरिमेंट में, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो ये टॉपिक इसीलिए बहुत मतलब अच्छा वही रहेगा कि लैब में और थ्योरी के फॉर्म में एक साथ किया जाए. तो इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया, क्योंकि क्लासरूम में फिर लैब के फॉर्म में नहीं हो पाता है ना. तो आई होप शायद हम लैब के फॉर्म में कर लें. वैसे ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग है. तो लैब में एक तो हमने सर्किट सेट कर लिया, उसके बाद हमें इस जॉकी को बहुत धीरे धीरे खिसकाना होता है. मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ इसको, जस्ट यहाँ से एंड से खिसकाते हैं. ये बहुत धीरे धीरे खिसकाते हैं, दैट इज़ वेरी स्लो, जरा सा भी फास्ट नहीं होना चाहिए, है ना. ये तो देख रहे हो इसको खिसका रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है. यही कंसेप्ट जो यहाँ पे लगा, डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है. यहाँ पे बहुत धीरे 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 करेंगे और धीरे धीरे ये आ गया. तो हमें इस पॉइंट तक पहुँचना होता है. तो इस पॉइंट में, इस सेकेंडरी सर्किट में बिल्कुल भी करंट नहीं होगी, है ना. सेकेंडरी सर्किट में जो भी करंट होगी, प्राइमरी में तो होगी, प्राइमरी सर्किट में होगी, मगर ये सेकेंडरी सर्किट में करंट नहीं होगी. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो बल्ब के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा. और देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है कि यहाँ पर बल्ब में बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब चेंज नहीं होगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई थिंक एक दिन यहाँ पर किसी टीचर का डेमो हुआ था, तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा था कि वोल्ट मीटर और पोटेंशियल मीटर में बेसिकली क्या डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने में, है ना. उनका बेसिक डिफरेंस क्या है. वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है और पोटेंशियल मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया. फिर बाद में मैंने एक्सप्लेन किया. तो ये बहुत कॉमन सा वाइवा क्वेश्चन हो सकता है, है ना. अगर पोटेंशियल मीटर तुम्हारे पास आ गया है प्रैक्टिकल में, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनर है वाइवा में, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि वोल्ट मीटर, क्योंकि साइकोलॉजिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डिफरेंस क्या है वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर के पोटेंशियल, वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है और पोटेंशियल मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. आई होप तुम लोग समझ गए होगे कि क्या डिफरेंस है. पोटेंशियल मीटर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और वोल्ट मीटर जो है वो कभी भी एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं करेगा. आई होप यू गॉट इट नाउ. सो दिस इज द बैलेंस पॉइंट. और अब इसके बाद सिंपल, जैसे ये इसका बेसिक कंसेप्ट हो गया है, इसके बाद इसकी सिंपल कैलकुलेशंस है. सिंपल कैलकुलेशन, वी विल डू दैट कैलकुलेशंस, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट की कैलकुलेशन. सो दिस इज एंटायर थिंग ऑफ पोटेंशियल मीटर. अब हमने ये सर्किट को ऐसे ले लिया. कैलकुलेशन क्या है वो देख लो. हमें ये ड्राइवर सर्किट हो गया ना पोटेंशियल मीटर वाला. वैसे इस ड्राइवर सर्किट में इस सेल के अलावा रियोस्टेट भी लगा होता है रियल में, तो मगर रियोस्टेट से हम ड्राइवर सर्किट में कुछ चेंजेस कर सकते हैं. बट अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब रियोस्टेट का काम है इस ड्राइवर सर्किट को चेंज करना, मगर ड्राइवर सर्किट को हम लगातार चेंज नहीं करेंगे. एक बार चेंज करके रख देंगे, है ना, एक बार कैलकुलेशन करने के लिए चेंज कर देंगे. ये नहीं कि बार बार ड्राइवर सर्किट को चेंज कर रहे हैं. तो यहाँ पर हमने जो ड्राइवर सर्किट है, उस ड्राइवर सर्किट को फिक्स रखा है, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना. सो हमें सबसे पहले तो इस पोटेंशियल मीटर वायर की, है ना, ये पोटेंशियल मीटर वायर होता है जिसका ऑब्वियसली रेजिस्टेंस हाई होगा और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस स्लो कम होता है. तो दिस इज आवर पोटेंशियल मीटर वायर.
पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ हम फॉर एग्जांपल ले ले 3 मीटर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ है, और ये ड्राइवर सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो 9 वोल्ट है। फिलहाल यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कंसीडर नहीं करते, या सीधे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया, दैट इज 9 वोल्ट। एक्जैक्टली, तो 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और सपोज करो ये जो बैलेंस पॉइंट है वो कुछ आ रहा है एल डिस्टेंस पे, और एल की वैल्यू कुछ 2 मीटर है, 2 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है ना। तो ये मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्ट फॉर्मूला तो कुछ अलग तरीके से डिराइव करेंगे, मगर बेसिक लॉजिक यही होगा। तो पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 3 मीटर के बराबर है और बैलेंस पॉइंट 2 मीटर पे आ रहा है, बैलेंस पॉइंट बी पे आ रहा है। बैलेंस पॉइंट में गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी करंट नहीं होगी, बैलेंस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल भी करंट नहीं होगी। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो यहाँ पर एक क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज 9 वोल्ट अपॉन 3 मीटर। एक्चुअली में ये जो है वो सिंबॉलिक फॉर्म में होता है। तो अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है इसके टर्मिनल के बीच का, और इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 3 मीटर है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट 3 वोल्ट पर मीटर, एंड दिस क्वांटिटी इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिजिक्स में जहाँ भी ग्रेडियंट वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है समथिंग वेरी विथ लेंथ, है ना, चेंज इन समथिंग विथ लेंथ। तो अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कोई चीज चेंज हो रही है ना, रेट जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तब उसको ग्रेडियंट कहते हैं, अदरवाइज नॉर्मल वर्ड होता है रेट। नॉर्मली हम चेंज निकालते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड, लाइक दिस। तो नॉर्मली रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मगर यहाँ पर जो रेट निकालेंगे वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो दैट इज बेसिकली 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ऑब्वियसली इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और लेंथ से डिवाइड कर देंगे, है ना। कोई भी क्वेश्चन आए तुम उसको व्हाट्सएप पे टाइप कर दो या गूगल इस पे मीट के मैसेज पे टाइप कर दो, जैसे ही मैं ख़त्म होगा मैं चेक कर लूँगा एक बार, है ना। तो कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, आई होप यू गॉट इट। हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस ड्राइवर सर्किट में 1 मीटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ पर डेटा हमने ईजी लिए हैं। तो टोटल 3 मीटर में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, और जो बैलेंस पॉइंट है वो 2 मीटर पर आ रहा है, 2 मीटर पर आ रहा है। इसका मतलब जो है इस डिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं, यूनिट का 3 है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। यानी ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बिटवीन ए एंड बी, दीज आर कनेक्टिंग वायर, और वही पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के बीच का भी होगा। तो हमने ये बल्ब के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया, दैट इज 3 वोल्ट एंड 2 मीटर, ये 6 वोल्ट है। तो वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 वोल्ट, एंड दिस वी ए बी इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यही हर जगह यूज करना होगा, कुछ भी डिराइव करना होगा हमें जो थॉट प्रोसेस है वो यही लगानी होगी, है ना, बिना कॉम्प्लेक्स किए हुए, यही पूरी थॉट प्रोसेस है। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ऑब्वियसली नेक्स्ट संडे के टेस्ट में दूंगा इसको, काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी इस पर, यू कैन से मोर देन 25% प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगी, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 5 × L आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। नॉर्मली यहाँ से हमने समझ लिया, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि किस लेंथ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलता है और उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द पोटेंशियोमीटर। एक बार रिकैप करते हैं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली नया पैटर्न में तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ऑब्वियस सवाल पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, या कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन, इस पर केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअली में ये जो वायर है वो सिंगल टर्न का नहीं होता है, जो एक्चुअल पोटेंशियोमीटर अभी हम लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे अगर टाइम बचेगा तो ये टर्न्स के फॉर्म में होता है, डिफरेंट टर्न्स के फॉर्म में होता है ऐसे, है ना, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लेना होता है। तो एक अगर सीधा लगाओगे तो इंस्ट्रूमेंट का साइज बहुत बढ़ जाएगा, तो ये डिफरेंट टर्न्स के फॉर्म में होता है। तो वहाँ से हम एग्जैक्टली लेंथ मेज़र करते हैं एक एंड से, तो मेज़र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से ही मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है, और ये हो गया पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पर हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र कर सकते हैं, 2 सेल्स का EMF कंपेयर कर सकते हैं, वी कैन डू
वॉट वी वॉन्ट. दिस वॉज द बेसिक कंसेप्ट. अब इसको पॉज करता हूँ और सीधे अब लैब में चलते हैं. लैब में चलते हैं.